नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल से गगसीना हम आज पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं गगसीना से मूनक की तरफ जाती हुई ये मेन रोड है और मेन रोड के इस तरफ किनारे में झाड़ियों के पास एक नाला है और नाले के अंदर बताया जा रहा है एक 24 से 25 साल के युवक का शव बरामद होता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं परिवार वाले भी यहां पर पहुंच चुके हैं। 24 से 25 साल का युवक जो कि पिछले 3 से 4 दिनों से लापता था, 2-3 दिनों से बताया जा रहा है कि लापता था और परिवार वाले उसे लगातार ढूंढ रहे थे लेकिन उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता और आज परिवार वालों के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि आज उसका शव बरामद होता है इस नाले के पास। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मामला क्या हो सकता है अपने आप में, अभी ये पुलिस जांच का विषय बना हुआ है कि ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला है या फिर क्या कोई बड़ा मामला है। इस तरफ आप देख सकते हैं शव वाहन मौके पर पहुंचा हुआ है, पुलिस की डायल 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और ऐसे में आप देख सकते हैं उस तरफ भी आपको मूनक थाने की जो पुलिस की टीम है वो आपको दिखाई दे रही होगी और मेन रोड की ये तस्वीरें, आसपास के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। उन्हीं लोगों से हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये क्या पूरा मामला है, क्या अंकल मामले की जानकारी, किसका शव है ये? जी पहले का लड़का रेल से जी, तो 3 दिन हुए लापता जी। 3 दिन से लापता था। हाँ। क्या नाम है लड़के का? बीरू। हाँ जी। कहाँ का रहने वाला था ये जी? रेरकला। कितनी दूर पड़ता है ये गांव यहाँ? ये यहाँ पड़ा जी, 5 किलोमीटर। क्या काम क्या करता था ये? कबाड़ कूट चुका करता जी। क्या मामला लग रहा है आपको? मामला देखे, यहाँ लाइन देखो, 4-5 फुट ऊंचा है, करंट से भी हो सकता है। कोई नाला वगैरह इस तरफ क्या है? ये नाला है जी, ये देखो यहाँ अभी एक आदमी टच हो गया अंदर, देख कितनी ऊंचाई, 4 फुट नहीं ऊंचाई इसकी और 11,000 वोल्ट की लाइन है, तो ये इसकी वजह से भी हो सका। इनके कह सका जी मामला क्या लग रहा है? हत्या से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है? चोट लगी हुई है इसलिए हत्या का लग रहा है जी। हत्या का लग रहा है आपसे? आप परिवार से? नहीं जी, पड़ोस में से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबेर है। और इनका क्या नाम था? इनका नाम बीरू है जी। बीरू जी, क्या उम्र क्या थी इनकी? 24-25 साल। 24-25 साल। 2-3 दिनों से लापता भी बता रहे जी? 2-3 दिन से लापता थे ना, आज पता लगा, आज दिखा तो आज आगे इसके चाचा को पता लगा जी। आज कहाँ से आए? ये रेरकला है जी, उस कालरा बोलते हैं ना जंगल। क्या काम करते थे? कबाड़ चुगते थे जी। सपेले लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं जी नहीं, ये तो बहुत सीधा शरीर। परिवार में कौन कौन है उनके? उनके परिवार में सब है जी, उसके 3 बच्चे हैं जी, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मतलब शादीशुदा हैं जी। उनकी पत्नी वगैरह यहाँ पर? नहीं जी, उनके पापा भाई सब हैं जी यहाँ। किसने देखा बॉडी को? किसने देखा? उनके चाचा ने देखा जी, वो खड़े। ये सारे परिवार के लोग हैं जी इनके। तो आप देख सकते हैं उस तरफ, आप देखिए एक बार FSL की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। FSL की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है लेकिन शव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको नहीं दिखा सकते। बीरू नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, ऐसे में 24 से 25 साल की उम्र। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, FSL की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि परिवार वालों का ये जरूर कहना है कि शायद पैर में या किसी और अंग पर चोटें जरूर आई हैं और ऐसे में हत्या का मामला भी हो सकता है। हालांकि क्या ये पूरा मामला है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा क्योंकि FSL की टीम मौके पर पहुंची हुई है। ऐसे में और भी जो तमाम लोग हैं आसपास के वो इकट्ठा हो चुके हैं। भैया आपको कोई जानकारी इस बारे में? हाँ जी मैम, 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे ये, आज डेड बॉडी मिली है इसकी। आप कौन लगते हैं इसके बीरू के? मैं तो दूसरे गांव से हूँ मैम, वैसे पता चला था तो हम सुबह से यही है। शव को देखकर क्या लग रहा है, कितनी पुरानी बॉडी होगी ये? मैम 2 दिन हो गए इसको और देख के लग भी रहा है, जैसे बिजली की लाइन है ऊपर, बिल्कुल नीचे है ये, यहाँ से करंट भी लगा हो सकता है। करंट लगने की वजह से हो सकता है? हाँ ऐसा भी हो सकता है मैम। और नेचुरल डेथ का मामला हो या कुछ और? हाँ जी चोटें भी लगी हुई हैं उसको। चोटें लगी हुई हैं जी। क्या लग रहा है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला उसके? हाँ लगता है मैम, ऐसे भी लगता है किसी ने जानबूझ के मारा हुआ है। हाँ जी लग रहा है ऐसे। और दर्शाया ये हो कि नाले में गिरने जी। मामला कुछ भी हो सकता है? हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मामला अभी भी फिलहाल कुछ भी हो सकता है और ऐसे में आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शव के ऊपर कपड़ा डालकर शव को ढक दिया गया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं शव वाहन मौके पर पहुंचा है, मूनक थाने की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में जो परिवार में मीनू के चाचा बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये शव यहाँ पर देखा क्योंकि 2-3 दिनों से लापता थे तो परिवार वाले उन्हें ढूंढ भी रहे होंगे, और आसपास के भी आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो मौके पर पहुंच चुके हैं और
फिलहाल मामला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं आपको तारे भी, बिजली की जो तारे हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि करंट लगने की वजह से मौत हुई, और उसके बाद नाले से बाहर निकाला गया या नाले के बाहर ही थे? रोज इतनी काम करा चीजें बता, ये तो बिजली तो हो सका या कुछ फिर कुछ भी मामला कुछ भी हो सका। FSL की टीम मौके पर FSL की टीम आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है, और ऐसे में आप देख सकते हैं और भी जो आसपास के तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या जानकारी इस बारे में? मैडम ये बता रहे हैं मैं, 3 दिन से ये लापता है बीरू नाम का व्यक्ति। अब अंदाजे से तो ये लगा सकता है कि ये करंट की वजह से इसकी डेथ हुई है, बाकी वो पुलिस क्या वेरिफिकेशन करते उसका क्या रीज़न रहेगा वो बताएंगे मैडम। FSL की टीम ने मौके पर आई? हाँ जी मौके पर आई हुई है टीमें, ये PCR वगैरह भी उन्होंने कॉल की थी, ये भी अभी 15-20 मिनट के अंदर आ गई थी उसी टाइम जिस टाइम इनको सुबह बॉडी लाश मिली है। क्या लगता है मौत कब हुई होगी? 2 दिन पहले ही हो गई होगी या फिर क्या? ये अंदाजा लगाना औखा है जी मैडम, इसका पता नहीं तो क्या रहता है टीमें क्या कहती है। अगर किसी की हत्या भी होती है, हत्या करने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। देखो मैडम इसका तो पता नहीं, अभी ये कूड़ा करकट उठाने परिवार से गरीब परिवार उठाने वाले इनकी कौन हत्या करेगा मैडम, क्या वैर हो सकता है किसी का इनके साथ? क्या लगता है कि मौत अपने आप ही हुई है, करंट लगने की वजह से हुई होगी? देखो जी वहाँ से तो ऐसे ही फील हो रहा है जैसे मान लो वो गया करकट उठाने के लिए, क्योंकि तार की जो हाइट है ना वो कम से कम 3 या 4 फुट के उसमें है, तो उसके टच में आया वो नीचे नाले में जा पड़ा। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जी मैडम जी देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मुनक थाना की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची है, 112 की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है, क्योंकि वाकई में आप देख सकते हैं आसपास के इलाके में जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनमें हड़कंप जरूर मच जाता है अगर अचानक से ऐसा कोई शव बरामद हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति बताया जा रहा है 24 से 25 साल की उम्र है, पिछले 2-3 दिनों से लापता भी था, परिवार के लोग लगातार ढूंढ भी रहे थे, लेकिन ऐसे में अचानक से शव बरामद होता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कौन लगते हैं आप इनके? ये मेरी मौसी का लड़का लगता है। क्या नाम था इनका? इसका बीरू नाम था जी। बीरू? हाँ जी। क्या हुआ, क्या था, कब से लापता थे? ये 3 दिन हो गए जी आज से लापता था, और जी भी इसको घर से ये काम पे निकला तो 12 बजे काम पे से आके कबाड़ी के पास से ये बोला मैं उधर जा रहा हूँ कबाड़ चुगने के लिए, और ये इस तरफ आया और हमारे को जब ये घर पे नहीं पहुँचा तो 9:30 बजे के बीच में इसकी बाइक मिली यहाँ पे। बाइक खड़ी हुई? हाँ बाइक मिली जी इस रास्ते पे खड़ी यहाँ पे, ये गक्सीना से आगे। हाँ नहीं गक्सीना से पीछे ये जहाँ पे ट्रक खड़ा है, तो यहाँ से जब हमने इसको टोलने के लिए तलाश की तो हमारे को नहीं पता लगा, हमने बोड़ी चौकी में और मुनुक चौकी में दरखास्त दी, उनने भी नहीं कार्रवाई की, तो 3rd दिन बाद आज इसकी लाश मिली है। लाश किसको मिली सबसे पहले? इसके चाचा को मिली है। क्या ढूंढ रहे थे आप लोग? ढूंढ रहे थे मैम, ढूंढते वक्त ही मिली है लाश। हाँ ढूंढते वक्त। क्या मामला लग रहा है आपको? हमारे को मैम चाहे तो ये करंट के साथ है, चाहे आत्महत्या किसी ने करके मार के गिर रखा, हत्या का मामला लग रहा है। हाँ मामला हत्या का लग रहा है। चोट वगैरह का भी निशान? हाँ नाक से खून बह रहा है और आंखें भी सूज रखी हैं और सर पे भी कोई चोट चाट का निशान लग रहा है। करंट लगे तो भी तो इंसान को कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखो तो मैम इसमें यही बात है ना, करंट लगेगा तो नाक से खून तो नहीं आएगा, आँख तो नहीं, करंट लगेगा अगर आँख तो सूझेगी नहीं जी। क्या मामला लग रहा है आपको? अभी पुलिस जांच का विषय है ये? जी अभी पुलिस जांच कर रही है। गरीब परिवार से? जी बहुत गरीब है जी बेचारा, बहुत ही गरीब है, बिल्कुल घर के रहने की जगह भी नहीं है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सारे हैं, बस पापा है जी, मम्मी है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, बस बच्चे भी बता रहे हैं जी, 3 बच्चे हैं, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और ऐसे में पत्नी का हाल क्या हो रहा होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो आसपास के तमाम लोग हैं पुलिस की टीमों के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मामला क्या हो सकता है बीरू की मौत का, अभी तक ये पुलिस जांच का विषय बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, लेकिन परिवार वालों का ये जरूर कहना है कि जो बीरू के भाई हैं कि उनके लापता होने के बाद उनकी बाइक इसी रोड पर साइड में खड़ी हुई मिलती है, लेकिन ऐसे में क्या ये बड़ा मामला है अपने आप में, अभी भी पुलिस जांच का विषय बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। FSL की टीम भी आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई थी, और अब FSL की जो टीम है वो यहां से रवाना होती हुई आपको देखने को मिल रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।